Assalamualaikum, welcome to Zamin's Academy. Today we will cover our last topic of chapter number 2 of Introphysics. And this topic is Kirchhoff's rule. We use Ohm's law to solve the simple circuit. Simple circuit is a single source of energy or current, which means that if there is a circuit having only one battery, okay, for example here is a bulb, okay, having only one battery, then that circuit is simple circuit. And if a circuit have two or more than two batteries, then it's a complex circuit. And to solve complex circuits, we use Kirchhoff's rule, okay. There are two types of Kirchhoff's rules. One is related to current and other is related to voltage, or you can say the potential difference. So the first rule of Kirchhoff is algebraic sum of all the current in a closed circuit is 0. And we'll present it like this. This is a symbol of summation. Summation I means current is equals to 0. Means को सर्किट का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहाँ पे जितना करंट इंटर हो रहा है उतना ही करंट उससे उसी सेम टाइम पे बाहर जा रहा है. सो जो उसका नेट आंसर होगा एडिशन का वो 0 होगा. ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है और हमने इसको अटैच कर दिया, सही है, सर्किट बना दिया हमने, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, और यहाँ से I1 एंड I2, यहाँ से जो करंट आ रहा है ये इनवर्ड आ रहा है इन दोनों तरफ से, और यहाँ से करंट निकल रहा है आउटवर्ड के दो, सही है, रेजिस्टेंस 3 एंड रेजिस्टेंस 4. रेजिस्टेंस 4 आई सेड 4 अर्लियर, ओके, सॉरी फॉर दैट. तो ये जो फर्स्ट रूल है ये रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा, कोई लॉस एज सच नहीं हो रहा. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है. तो अगर हम लिखें I1 प्लस I2 प्लस I3, अब ये इनके अपोजिट साइड है तो हम इनके साथ माइनस लगाएंगे, अपोजिट साइड, ठीक है, तो प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4, इट वुड बी इक्वल टू 0, सही है. सो टोटल अगर हम इसको लिखें तो एक और तरह से भी लिख सकते हैं, डेट टोटल चार्ज और करंट मूविंग इन अ पॉइंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज और करंट मूविंग आउटवर्ड डेट पॉइंट. ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया. उसके बाद हम अपना सेकेंड रूल देखते हैं. सेकेंड रूल में है डेट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट इज 0. जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 का, ठीक है, समीशन ऑफ V इज 0. अब हमने यहाँ पे एक सर्किट बना दिया, ठीक है, और इसकी हमने दो बैटरीज बना दी क्योंकि हमें एक कॉम्प्लेक्स सर्किट लेना है, और हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो E1 है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब E1 इज़ ग्रेटर देन E2. EMF की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ये बैटरीज वो E1 की ज़्यादा है E2 से. और जब E1 की ज़्यादा है तो करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल करेगा, और करंट की जो उनके डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉक वाइज होगी, ठीक है. तो जब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव करेगा तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन 1 हमने लिखा E1 डेल्टा Q, सही है. उसके बाद हम वर्क 2 की बात करते हैं. वर्क 2 जब होगा तो माइनस V इंटू डेल्टा Q, वो हमने वैसे ही लिखा. माइनस V क्यों रखा है, क्योंकि रेजिस्टर है, जब रेजिस्टर आ जाता है तो क्या होता है, हिंड्रेंस होती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो लूज होती है, इसलिए हमने माइनस V डेल्टा Q रखा. अब V इज इक्वल्स टू आई आर हमें पता है, तो हमने माइनस I और ये R1 रेजिस्टेंस रख दिया डेल्टा Q. ये हमारा वर्क डन 2 फाइंड हो गया. उसके बाद वर्क डन 3 की बात करें तो उसके लिए यहाँ पे वर्क डन 3 के बीच में आ रही है बैटरी, तो हम बैटरी से फाइंड करेंगे. इट विल बी माइनस E2 डेल्टा Q, सही. उसके बाद वर्क डन हम 4 पर आ गए, यहाँ पे भी रजिस्टर है तो ऑफकोर्स अगेन लॉस होगा, तो ये डेल्टा W4 यानी वर्क डन 4 इज माइनस V डेल्टा Q. देन V को हमने IR2 रख दिया क्योंकि रेजिस्टेंस 2 है, रजिस्टर 2 है एंड डेल्टा Q, ठीक है. अब हम इनको समीशन करते हैं इनका. इट इज समीशन ऑफ डेल्टा W, मतलब सारा वर्क डन जितना व्यू है उसका समीशन करें. यहाँ से हमने जो पहले 4 वर्क डन फाइंड किए वो सारे लिख दिए, वर्क डन 1, 2, 3 एंड 4. इसके बाद डेल्टा Q सब में है तो हमने कॉमन ले लिया, डेल्टा Q E1 माइनस E2 माइनस R1 माइनस IR2 इज इक्वल्स टू 0. ये लॉ में है कि ये जीरो के इक्वल होगा। फिर डेल्टा क्यू जो है वो तो कांस्टेंट है, चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू IR1 माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा लॉ क्या सेकेंड किर्चॉफ का। और जो ये लॉ है यानी जो सेकेंड टाइप है किर्चॉफ रूल की, सेकेंड रूल जो है, सॉरी लॉ नहीं रूल, वो रिप्रेजेंट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.